हेलो, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज का हमारा व्लॉग होने वाला है कुछ चैलेंजिंग व्लॉग, जिसके होने वाले हैं 3 राउंड्स। बॉलीवुड क्विज होने वाली है जो कि 3 राउंड में हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला राउंड हमारा कौन सा होने वाला है? डायलॉग कंप्लीट। सेकंड राउंड कौन सा होने वाला है? सेकंड राउंड हमारा होने वाला है करेक्टर नेम। करेक्टर नेम से आप सोचोगे करेक्टर नेम मतलब उस एक्टर का उस फिल्म में क्या नाम था, ये सबसे ज्यादा टफ होने वाला है। और थर्ड राउंड हमारा कौन सा होने वाला है? डायलॉग किसने बोला, कि वो डायलॉग हमें बताना है कि किसने उस फिल्म में किसने वाला डायलॉग बोला था। तो हमारे 2 फर्स्ट राउंड तो फिर भी इजी होने वाले, जो सेकंड और थर्ड है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए टफ होने वाले हैं, जबकि मेरे लिए ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं और इसके लिए आसान होने वाले हैं, क्योंकि इसको सारी मूवीज की सारी चीजें याद रहती है और मैं बिल्कुल लुलु यार। गेम स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम दोनों के आईडीज आ रही होगी इंस्टाग्राम के, वहां जाके फॉलो करो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, और यहाँ पे भी सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी गेम में और फिल्म में। डैश 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 सॉरी गाइस, आई डोंट नो, प्लीज कमेंट कर देना क्या था। अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मैं पूछता हूँ, जो आदमी लिमिट में रहता है डैश डैश डैश, जो आदमी लिमिट में रहता है वो लिमिट में ही रह जाता है। यस, शी इज राइट। 1 पॉइंट। 1 पॉइंट मुझे मिल गया है और ये 0। कोई बात नहीं, अपन आगे ले लेंगे लीड। दिल तो हर किसी के पास होता है डैश डैश डैश, पर दिल वाला हर कोई नहीं होता, या दिल वाले हर कोई नहीं होते, है ना? सोचो यही तो है, दिल वाला हर कोई दिल वाला नहीं होता। नो, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते, बट फिर इतने मतलब अंदाजा अच्छा लगाया तो 1 पॉइंट मिल जाता है। चलो, 22 तक पढ़ाई, 25 तक नौकरी, 26 पे छोकरी, डैश 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 डैश। ये ना मुझे इतना बताइए ना, रणवीर कपूर ने बोला था और ये जवानी है दीवानी में, बट यार क्या दोबारा से बोलना एक बारी। 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, डैश डैश डैश, 30 में शादी, 35 में बच्चे और फिर रिटायरमेंट का इंतजार, ऐसा ही मतलब सब। बिल्कुल गलत, रॉन्ग रॉन्ग हो गया भाई, रॉन्ग हो गया, बिल्कुल ही गलत। ऐसा ही कुछ है यार। नो नो, 28 में शादी, 30 में शादी, 32 में बच्चे, 35 तक 40 तक रिटायरमेंट। भाई अपनी क्यों गा रहा है, घूमने वाले। तो यहाँ पे ये हार चुके हैं, इन्होंने 3 अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो ये है 26 पे छोकरी के बाद है 30 में बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। ऐसी घिसी घिसी पिटी लाइफ थोड़ा जीना चाहता हूँ मैं। ये 0-1-1 बराबर। अब देखते हैं, 1 बार मिली है डैश 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 तो मरने के बारे में क्यों सोचे? No. क्या होगा गाइस, कमेंट करो यार, थोड़ा स्पैम कर दो, भर दो। I don't know. जब जिंदगी एक बार मिली है तो 2 बार क्यों सोचना? मैंने आपको गाइस सारे आंसर दिखा दिए थे ऐसे करके, सो अब मेरी बारी है। मुझे दिखाओ ना गाइस, को क्या दिखाने, मुझे दिखाओ ताकि मैं जीतूं। लाइफ इज अ रेस, If you don't run past, dash dash dash. ये ना PDF मूवी का यार, मेरे को ऐसे पूछ रहे थे डायलॉग के कौन से मूवी का है? ये भी तो है, तो मैं बता सकती हूँ, तो हो जाएगा, बता देती है। ये ना 3 Idiots मूवी का है, बट क्या था ये, कुछ इंग्लिश में है यार। सब सारे डीएम में बादाम लिख देंगे, बादाम स्पैम करने की जरूरत नहीं, बादाम मेरे घर भेज दो, सारे पोस्ट रील के नीचे बादाम स्पैम कर दो, मेरे घर भेज दो बादाम। अब आपका टाइम खत्म होने वाला है, दोबारा बोलने लाइफ इज रेस, इफ यू डोंट रन फास्ट डैश डैश डैश। 4-3 ये हार गई है यार, यू विल लाइक ब्रोकन अंडा यार, अंडा अंतर ध्यान हो जाओ।
मैंने ना बहुत इजी लिखे है, इसने ना बहुत टफ टफ लिख लिया, जबकि इसको पता है कि अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट करना किसके बहुत आसान है और मेरे बहुत आसान है। चलो अब जो मैं पूछने वाली हूँ ना दो वो बहुत आसान वाले हैं। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता। कोई भी देश 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 कंट्री या उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। ओ राइट, तो इसको 2 पॉइंट मिल गया और मेरे को सिर्फ 1 पॉइंट। सो आगे कोई बात नहीं, मेरी बारी है। सक्सेस के बाद का प्लान तो सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो जाए तो डैश 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 क्या कहते हो? 4 लाइन का डालेगा, 3 बताऊं? चलो तो आपको लोगों को भी बता देता हूँ। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो जाए तो फेलियर से कैसे डील करनी है? डैश 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 ये ना SSR सुशांत सिंह राजपूत की मूवी है। बहुत मोटिवेशनल और अच्छी मूवी है छी छोरे, वहां से मैंने डायलॉग उठाया। देखो फेमस इन्होंने देखी होगी 2-3 बार, राइट? मैंने छी छोरे मूवी नहीं देखी है, बट गाइस छी छोरा छुपा के। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो जाए तो फेलियर से कैसे डील करना है? डैश 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 ये किसी को नहीं पता। नो फेलियर से कैसे डील करना है? नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग 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 रॉन्ग, सॉरी। इसके आसपास भी नहीं हो, आप आसपास होते मैं आपको ऐसे फैक्ट के देता 1 पॉइंट, लेकिन आपको मैं आधा पॉइंट भी नहीं दे सकता। आई एम सॉरी गाइस, ये देखो मैचिंग है यार। नहीं मैं हार गई। ओहो यार कम ऑन, इन्होंने तेज की बोलो, जरा गाइस सुनेंगे हमारे। कोई बात ही नहीं करना चाहता है, बात नहीं करना चाहता। गाइज अगर आपको बात करनी है इस बारे में कुछ तो मेरे को डीएम कर देना, मेरा इंस्टाग्राम आईडी ये रहा, किसी भी बारे में कुछ भी आपको अगर बात फालतू बात नहीं। एक बात बोलूं, अब इतना इंस्टाग्राम में वो सब मत करो, स्पैम इंस्टाग्राम पर इतना भी नॉर्मल ओके okay. अब ज्यादा हो रहा है। चुप चुप, एक मिनट कर, अब बोल। तो अब इनकी बारी है, अब ये पूछेंगे मेरे से। बसंती इन डैश 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 शैम्पू वालों किट्टो के सामने मत नाचना, मतलब तुम कुत्तों के सामने मत काटना। अरे यार कुत्तों के इनके बगीज का नाम यार। इसके पास 3 पॉइंट्स और आई हैव ओनली 1 पॉइंट। मैंने बोला था मैं हारने वाली, लास्ट है मेरा, जाती हूँ मैं, त्याग जाती हूँ इसको गिफ्ट दिलाने के लिए। तो अब लास्ट है मेरा क्वेश्चन, जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर डैश 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 जन्म लेना है और मरना है हम डिसाइड नहीं। Again, SSR. मगर अपनी लाइफ में क्या करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे हमें, आगे हमें क्या करना है, थोड़ा सा और मॉडिफाई करो इसको, थोड़ा जिंदगी में हमें क्या करना है। नहीं नहीं, नहीं जिंदगी से कुछ और, कुछ और जीना जीना। लो मैंने आपको जीना दे दिया, चढ़ जाओ आप ऊपर जीने के लिए। और क्या ये पास में है, मैंने इसको दे दिया, पर जीना कैसे है वो हम डिसाइड कर रहे हैं। नादा सही बता, मैं उनको 1 पॉइंट देता हूँ। चलो फाइनली मेरे पास 2 पॉइंट, इसके पास 3 पॉइंट। ओ हमारा फर्स्ट राउंड यहीं पे कंप्लीट होता है और उसमें मेरे 2 पॉइंट और इनके 3 पॉइंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब सेकेंड राउंड, करेक्टर नेम वाला। तो इसमें देखते हैं कौन जीतने वाला। मैं हारने वाली हूँ, मैं पहले आपको बता देती हूँ, जीतने वाला मैं पहले आपको वाले बता देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले राउंड में मैंने पहला पूछा था, इस बार ये पहले पूछूंगी। ओके चलो मैं पूछ रही थी क्योंकि मेरे पास लिखे हुए हैं पहले। नवाजुद्दीन का बजरंगी भाईजान में क्या नाम था? गॉड ऋतिक रोशन का, ऋतिक रोशन का वॉर मूवी में क्या नाम था? वॉर यार इजी क्वेश्चन, ये तो दुनिया भाई जिन्होंने पठान देखी है ना उसको सब पता है। लास्ट में उसने बता दिया था, ये आप ध्यान रखो, लास्ट में उसने बताया था कौन 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 साथ होने वाला है। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से।
कम ऑन। तो उसने पठान में बोला था कि टाइगर मतलब लाइक सलमान खान उसे, और सलमान खान उसमें दिखा भी था, उन्होंने वॉर के लिए क्या बोला था, क्योंकि मैं वो मूवी पठान देखने गई थी मूवी हॉल में, स्पेशल हॉल में बहुत सारी मूवीज देखने गई है वैसे मैं हॉल में। चक दे इंडिया में उस कोच का नाम भी भैया लो यार, एसआरके का नाम भी लो भाई। चक दे इंडिया नहीं देखी? देखी यार, कमाल। रुक 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 मैं सो सकती हूँ, कमाल यार, मुझे नींद आ रहा है। 5 again start 4 3 2 लोग उसे लिखते भी है ना उसके बाहर, घर के बाहर भी। ये देखो ये फिल्मों में नहीं घुसना भाई, हकीकत में आओ यार, रुक जाओ। फरमानता भाई आपका टाइम ओवर हो चुका है। कबीर नाम है उसका, कबीर, और उसमें एक कैरेक्टर नाम कबीर खान, चक दे इंडिया में कहते हैं तो कोच कबीर खान है क्या, कम ऑन यार। चलो आप पूछ लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, मैं आसान पूछ लू। बहुत इतरा रहा है। रणवीर सिंह का बैंड बाजा बारात में क्या नाम था? रणवीर सिंह का, ओ यार मैंने बैंड बाजा बारात तो बहुत पहले देखी थी, पता नहीं यार कौन से जमाने में। हिंदू? हाँ हाँ हाँ, तो हाँ वो ना बहुत कॉमन नेम है, मतलब लोगों के घरों में मतलब बहुत होता है वो नाम, और ना दुकान वालों का भी बहुत सारा नाम। शर्मा, शर्मा तो सुना है मैंने, शर्मा जी का लगता है क्योंकि वो लाइक शर्मा, हाँ शर्मा है, चलो इतना तो है यार, कुछ बहुत कॉमन नेम है, बहुत नहीं यार कॉमन नेम क्या, अभिषेक? नो, आकाश? नो, आई डोंट नो, सॉरी गाइस, बिट्टू शर्मा। कम ऑन यार, कोई बात नहीं, मेरी बारी है। शाहरुख खान का जब तक है जान में क्या नाम था? जब तक है जान, क्या गाइस आसान सा नाम भूल रहा हूँ यार, गाइस आपको क्या लगता है बता पाएंगी? आदित्य, अश्वनी? ऐसा लग रहा है, क्लोज क्लोज, बहुत क्लोज। अभिषेक? नो यार, ये तो बहुत ही दूर चला गया भाई, ये तो पहले ए से बी पे था, अब तो जेड पे चला गया सीधा। सो आप क्या हार मानते हैं? तो टाइमर स्टार्ट करेंगे अभी थोड़ी देर में गाइस, आप बताना है। टाइमर, मेरा टाइमर 10 9 8 7 6 5 4 ये समर आनंद। ये देख लो गाइस, मैंने बहुत अच्छे से ढूंढ ढांड के लिखा हुआ है, इसने बहुत टफ टफ लिखे हैं यार, बहुत ज्यादा टफ टफ लिखे हैं, इतने टफ मैंने लिखे नहीं। अच्छा गाइस देख लो, ये तो बहाने हो रहे हैं, अब बहाने नहीं भाई, गिफ्ट लेके छोड़ूंगा, लेकिन गाइस आप भी कर देना। फरहान अख्तर का जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में क्या नाम था? क्या नाम था उसका? और इसने मुझे वाली मूवी सजेस्ट भी करी थी, जो कि मैंने उस दिन देखी भी थी, और आपने वाला व्लॉग भी देखा होगा, नहीं देखा तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जाकर देखो, उस दिन मैंने वाली मूवी देखी थी, मैंने भी आज तक वाली मूवी देखी नहीं थी कभी। सॉरी आई डोंट नो गाइस, आई डोंट नो। इमरान? ओफो यार, ओफो यार, मैं ना थोड़ा सा अपसेट हो गया यार, इमरान ये तो बड़ा कॉमन नहीं है यार, राइट? यस, चलो। तो शोले में जाए, खुद बना रहा है क्या अभी अभी बनने में कोई नो गाइस, मैंने अलग क्वेश्चन पूछने ट्राई करा था लेकिन मेरे मुंह में नहीं आया, तो चलो अब मैं लिखा हूँ। एक था टाइगर में सलमान खान का कैरेक्टर का क्या नाम था? हमारे उदयपुर में वैसे दोस्त हैं, उनकी कास्ट से मिलता जुलता है, राठौर। सो गाइस उदयपुर का ब्लॉग नहीं देखे हैं तो जाके चेक आउट करना। अभिषेक राठौर?
रॉन्ग। अभिनाश, अभिनव ऐसे कुछ। अब एक सजेस्ट करना पड़ेगा इन्हें। अभिनव या फिर ऐसे कुछ का है। बोलो बोलो, बहुत करीब है, दोनों में से एक है, दोनों में से एक है। अभिनव या अभिलाष। हाँ, अभिनाश सिंह राठौरी, शी इज राइट। अभिनाश सिंह राठौर, राइट राइट। इनको भी एक और पॉइंट मिलता है। तो अब मेरे कितने पॉइंट हो गए, कितने पॉइंट्स हो गए मेरे? गाइस पॉइंट्स भूल गए, 100 पॉइंट्स आपको यहाँ दिख जाएंगे। हाँ, तो आप यहाँ पे आपको दिखेंगे, मैं तो भूल गई मैंने कितने से। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे एडिट के टाइम पे। हाँ। कर देंगे हम। तो लास्ट है विकी कौशल का, उरी में क्या नाम था? उरी मैंने मूवी नहीं देखी है, सीधा बोल रहे। चलो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। मैंने बिल्कुल नहीं देखी मूवी। ठीक है, रणवीर कपूर का, रणवीर कपूर का नाम ये जवानी है दीवानी में क्या था? गाइस देखो, अभी बनाया मैंने, क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लो, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। चलो मैं हार गई यार। कबीर थापड़। खत्म हो गए हैं। विक्की कौशल का संजू मूवी में क्या नाम था? कमली, कमलेश, कमलेश धू-धू करके आता है जो ये। तो अब हो गया स्कोर, हो गए कुछ इस प्रकार से। कमलेश कन्हैया लाल, ये कमलेश। तो स्कोर हमारे कुछ यहाँ लिखे होंगे यार, क्योंकि हम ना भूल गए हैं, सच बताऊं तो मैं। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं थर्ड राउंड, जिसमें हमें डायलॉग किसने बोला है वो बताना है। तो स्टार्ट आप करो जरा इस बार। अब आज क्या ये थर्ड राउंड मेरा है। तो डायलॉग किसने बोला? पहला सवाल है, सच के आसपास वाला झूठ पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ओ भाई मैं हार गई। हार गई, मुझे नहीं पता। ब्योमकेश बख्शी मूवी का नाम और सुशांत सिंह राजपूत एक्टर का नाम। यार देखो, अगर मुझे पता होता ना ये इतने सुशांत सिंह राजपूत होता, तो मैं सारी उसके मूवी देख डालती। बट एक बात सच बताऊं, मैंने आज तक उसकी कोई भी मूवी नहीं देखी है। मैं भी देखी नहीं है। हाँ धोनी देखी है मुझे, क्योंकि मुझे वो मूवी उसकी बहुत पसंद आई है, MS धोनी, तो इसी वजह से मैंने वो देखी है। बाकी मैंने उसकी जल्दी से कोई मूवी नहीं देखी। तो इस बात पे ना कोई रिएक्ट मत करना यार। फेवरेट है, ठीक है, अच्छा लगता है मुझे, बट मेरे पास तो टाइम नहीं होता कि मैं स्पेसिफिक एक बंदे की मूवी देखूँ। मैं जो मेरे सामने पड़ती है ना वो मैं देख लेती हूँ, ठीक है। तो कभी उनके फैन मेरे पास आके यहाँ पे कमेंट 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 करते हैं, मुझे ये वीडियो डिलीट करनी पड़े, सो इसीलिए मैं आपको पहले बता देती हूँ। मैं अपनी फेवरेट हूँ, वो तो मैं हूँ ही, और अपनी फेवरेट। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। भाई किसने बोला है, दिखा यार। आई डोंट नो, मैं अपनी फेवरेट हूँ करीना कपूर ने। और जबकि इन्होंने मुझे वाली मूवी भी बोली थी देखने को, जब भी मैट, जब भी मैट, सॉरी याद आ गया। चलो, मैं हर दिन मौत को गले लगाऊंगा। भैया मैं कोई भी नहीं पता यार, SRK जब तक है जान। चलो ठीक है, जीरो जीरो। क्या तुम मेंटली चैलेंज्ड हो माय बॉय? भाई मैन यू, क्या तुम मेंटली चैलेंज्ड हो माय बॉय? ये कौन सी मूवी का डायलॉग है गाइस, थोड़ा बता दो मेरे को। सोचो सोचो, आई डोंट नो यार, सॉरी। जीरो जीरो। अबे देवल, अबे यार, ये तुमने बोला था ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में। तुम जैसी लड़कियां जब प्यार में पड़ती है ना तो ग्रेट लव स्टोरीज बन जाती हैं। हाँ यार बनती है, मेरी लव स्टोरी भी कुछ खास ही है। दोबारा बोला। तुम जैसी जब लड़कियां प्यार में पड़ती है ना तो ग्रेट लव स्टोरीज बन जाती हैं। मेरी लव स्टोरी तो खास है उसकी भी। अगर आपको उसके बारे में भी पूरा व्लॉग देखना है ना तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं बना दूंगी यार आपके लिए वो व्लॉग भी बना दूंगी। चलो चलो पहले आंसर दो। ये पता है कौन बोल सकता है? ये ना रणवीर कपूर बोल सकता है। हाँ किसने बोला?
भाई पहले बोलेंगे हमें हार मान, हार मान। तो भाई हाँ, तो ये ऋतिक रोशन ने बोला था ज्यादा मूवी से। यार पता है मुझे लगा क्योंकि रणबीर कपूर थोड़ी सी ऐसी मूवीज बनाता तो मतलब उसने बोला होगा, बट चलो 0-0 है अभी। इसमें ना मैंने 6 लिख रखे हैं, मुझे 5 पूछने हैं, तो मैंने पूछ लिए हैं। खुल के रो नहीं सकोगे तो खुल के हंस कैसे पाओगे? एमएस धोनी। नो, खुलकर रो नहीं सकोगी तो खुलकर हंस कैसे पाओगी? गी गी, पहले गे गे था। नहीं मैं वो गलत हो गया था, ई की मात्रा गलत हो गई थी, सॉरी। खुल के रो नहीं सकोगी तो खुल के हंस कैसे पाओगी? आई डोंट नो, शाहरुख खान ने बोला था। ओहो, मेरे मन में आ रहा था, मैं तुक्का ही मार दूं। 0-0। चलो, थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है। सोनाक्षी सेना ने बोला था दबंग मूवी में। देखो मैंने इजी लिखा नहीं लिखा, कितना इजी देखी थी ना यार, क्योंकि ना मैं सलमान खान की मूवी आज थोड़ी ज्यादा पसंद करती हूँ देखना। हाँ, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई मेरे से, मैंने गलती दिया। अभी मेरे एक पॉइंट है, 0 इस राउंड में बस। गाइस टोटलिंग पे पता लगेगा। डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है, हम क्या करें तो डरो। आपसे कौन डरेगा, छोटे इतने से आदमी से भी डरेगा? मैं आदमी नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ। डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है। सलमान खान। नो, भाई थोड़ा हिंट दो, मतलब मूवी का नाम बता दो बस। नो, फिर तो बताए क्यों मैं मूवी का नाम बताऊंगी ना, तो वो करेक्टर पता ही चल जाएगा, क्योंकि वो मेन रोल है उस करेक्टर का। वो ना उसमें मतलब मेन ही रोल है उसका ही। अब वही तो मैं बस इतनी हिंट दे सकती हूँ, वो एक लड़की है। कंगना रनौत। राइट, क्योंकि वो अकेली ऐसी लड़की है जो अकेले मूवी बना लेती है। इसीलिए दोस्ती का एक असूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। गाइस आपसे भी एक वसूल है, रणबीर कपूर गलत है, आपसे भी एक वसूल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक और कमेंट करके जाएं। दोस्ती का एक स्कूल, सॉरी दोस्ती का एक असूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। यार ये ना मतलब मेरे को ही पता है यार, पर मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरी यही सबसे बड़ी कमजोरी है, मेरे को याद है यार। मैंने सीधा सीधा एक्टर का नाम ही बता दिया। यार कुछ और हिंट दे, मैंने दो तीन हिंट दिया। कंगना फेमस स्टार है भाई, तो सुपर स्टार है बॉलीवुड का वो। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और यही है दोनों स्टार। यार यार ये हार गई। सलमान खान ये सलमान खान, भाई सलमान खान कह रही सुपरस्टार नहीं है भाई, कैसे कहा भाई क्या भैया? ओ यार इतना ये स्टार भी नहीं पता भाई, नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई। यार हिंट अच्छे थे, मैंने तो सारे हिंट अच्छे थे देने, मैंने भी इतने दिए गाइस, ऐसे बताने कौन होता है। No, भाई मेरे को नहीं पता। भाई यार ये गलत, चलो कोई नहीं, मेरे को डायलॉग पूछ लेता हूँ। चलो पहले आप तो पूछो, फिर लास्ट में मैं दोबारा पूछूंगा, ये राउंड फिर से होता है री मेरी तरफ से, कोई बात नहीं, अपना ही लड़का है यार, ये गलत है। चलो कोई नहीं बताओ। मोगेम्बो खुश हुआ। अरे मोगेम्बो, अमरीश पुरी। मोगेम्बो खुश हुआ। तो भाई जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो मैं दोबारा से पूछ लेता हूँ, सो आप भी बता देना। सो मैं थोड़ा, मेरे को एक सेकंड देना है ना, फिर मैं सोच के बताता हूँ। प्लीज अच्छा पूछ ले कुछ, क्योंकि मैं तो हार जाऊंगी ऐसे तो। इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। सास्ता से ले और पी, बदबू कहां से छोड़े, तो पॉइंट्स यहाँ आ रहे होंगे। और ये बोला सलमान खान ने दबंग मूवी में, मक्खी को बोला, मक्खी को ये थोड़ा बता रहे किसको बोला है।
ओके गाइस, सो इसी के साथ हमारा चैलेंज होता है कंप्लीट। और यहाँ पे सारे राउंड्स के को मतलब आंसर्स आ रहे होंगे कि हमारे कितने कौन से राउंड में कौन कौन से कितने पॉइंट्स हुए। और अगर आपको ऐसे ही हमारे चैलेंजिंग ब्लॉग देखने हैं तो आप यहाँ पे और यहाँ पे हमारी वो आ रही होगी चैनल का नाम, उसको जरूर सब्सक्राइब करना और गलत को सब्सक्राइब मत कर लेना हमारी वजह से। इसके साथ में यहाँ पे फोटोज भी आ रही होगी हमारी, उसको भी सब्सक्राइब करना। और इसी के साथ हम मिलते हैं आपको, और अगर चैलेंज अगर आपको देना है तो आपको कमेंट में दे सकते हैं। और बाकी प्राइस हम थोड़ी देर में देखेंगे कि किसको मिलने वाला है, वो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा, इस व्लॉग में देखने को। और याद रखना मेरे नाम के बहुत सारे व्लॉग्स हैं, तो गलत चैनल को सब्सक्राइब मत करना, मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप डायरेक्ट लिंक खोल लेना। इसी के साथ अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। आई एम द विनर।